हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। फिटनेस आइकॉन अनिल कपूर ने बजाज अलियांस के इवेंट में बड़े ही खास तरीके से मनाया गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिवस पर सुबह सुबह अनिल कपूर पहुंचे बजाज अलियांस प्लैंकेथॉन महोत्सव पर। हमारी झक्कास अनिल कपूर ने फुल ऑन एनर्जी के साथ सभी मौजूद पार्टिसिपेंट्स को इतना एनकरेज किया कि बजाज अलियांस को नया प्लैंक रिकॉर्ड टाइम सेट करने को मिल गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। इतना ही नहीं, अनिल ने खुद सभी मौजूद पार्टिसिपेंट्स के साथ प्लैंक करते भी नजर आए। उनका मानना है कि फिट रहना, डेली एक्सरसाइज करना सबकी डेली रूटीन होनी चाहिए, और ये भी कहा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इफ यू बिलीव इन फिटनेस तो आप सभी कुछ जीत सकते हो। इसके अलावा अनिल कपूर ने सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं भी दी। And it's a great day and it's fantastic atmosphere over here. We broken the record and set a new record and which is fantastic. And I'm you know thankful to you know Bajaj Alliance for inviting me. The plankathon was a huge success, and hopefully next year we're going to set an even more higher record for the world to. And it was a genuine Guinness Book World Record today what we have done. एकता कपूर ने अपने बेटे रावी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हुए मौजूद। इस मौके पर एकता कपूर यहां पर बहुत ही एक्साइटेड लगी। सभी बर्थडे सेलिब्रेशन पर बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। इसके अलावा एकता कपूर ने मीडिया से भी बातें की और बताया कि पद्मश्री को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है और इस खुशी से पूरे घर में सभी बहुत ही खुश है। साथ ही ढेरों सारे बच्चों के साथ में एकता कपूर ने खुद भी बहुत एंजॉय किया। इसके अलावा टीवी एक्टर करण पटेल ने भी मीडिया से बातें की और एकता कपूर के पद्मश्री और रावी के बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड। उन्होंने अपने अंदाज में एकता कपूर और रावी को बर्थडे भी विश किया। छब्बीस जनवरी के मौके पर बॉलीवुड के कुछ सितारों ने मिलकर माहिम बीच को क्लीन भी किया, साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया। रविवार यानी 26 जनवरी को पूरा देश 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। यह एक ऐसा दिन है जो हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति की भावना को जगा देता है। इस मौके पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आज इस मौके पर बहुत सारे स्टार्स आए और सभी ने साथ मिलकर माहिम बीच को क्लीन किया। सभी ने साथ में मिलकर नेशनल एंथम भी गाया। माहिम बीच के पास रहने वाले कुछ लोगों ने परफॉर्म किया, गाने गाए, डांस किया और साथ ही भी दिया मिर्जा मनीष पॉल ने भी डांस किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी ने रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी। सभी ने प्लास्टिक और क्लीननेस से रिलेटेड बातें भी की। सभी ने यही कहा कि हमें अपने देश को साफ रखने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सभी ने ये भी बताया कि देश में और क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए। दिया मिर्जा ने कंगना रनौत और करण जौहर के पद्मश्री अवार्ड मिलने पर अपनी खुशी भी जताई और साथ ही साथ करण वाही और इलनाज नौरोजी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। मैं अभी बोल रही थी कि मुझे रोना आ रहा है। हम हंस रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ पे, लेकिन मुझे एक्चुअली रोना आ रहा है क्योंकि आई डोंट नो, दिस इज अ बीच, एनीवेयर एल्स यू सपोज टू गो ऑन अ बीच, यू हैव टू एंजॉय इट, यू नो, लेकिन हम यहाँ पे, इट्स गुड, वी आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, बट इट शुडन्ट बी लाइक दिस, एंड आई जस्ट होप दैट पीपल विल स्टॉप लिटरिंग एट सम पॉइंट। और मुझे पता ही नहीं है कि कैसे इसको रोक सकते हैं, लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, दिस इज द पीएम्स जॉब, नॉट माय जॉब। आप जुड़े इससे, थैंक यू। आपका बहुत बिजी दिन था होगा और रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रही हैं। मैं प्रज्ञा कपूर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने कितने सारे हमारी इंडस्ट्री के लोगों को, आर्टिस्ट को आज वो इस बीच पर ले आई उनकी जानकारी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि
जब हमारी इंडिविजुअल लेवल पर जानकारी बढ़ेगी, आप बच्चों को सफाई करते हुए देखिए, आपको इस बात का एहसास होगा कितना बड़ा फर्क पड़ता है समाज में। यार आई थिंक ये तो मतलब कोई डे नहीं होना चाहिए इसके लिए, बट आई थिंक प्रज्ञा चोज टुडे बिकॉज ऑल्सो प्रज्ञा को पता था कि 26 जनवरी को शूट नहीं होता है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वर्किंग, वी नॉट अलाउड टू वर्क, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, तो आई थिंक दैट्स वाई शी चोज रिपब्लिक डे, एंड वॉट बेटर वे टू एक्चुअली रिपब्लिक डे के दिन, इससे बढ़िया चीज़ नहीं है ना। आई थिंक हम बोलते रहते हैं हम मेरा भारत महान, अभी हम बनाने आए हैं, थोड़ा सा साफ करने हैं। बॉलीवुड गॉसिप पे फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।